नमस्कार, आप हैं खबर बिहार 24 के साथ। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अलग अलग मांगों को लेकर मंगलवार की सुबह जमकर प्रदर्शन किया। बताते चले कि अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने पहुँच गए हैं। इसी बीच सचिवालय इको पार्क के पास भारी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। काफी देर तक नारेबाजी करते रहे पुलिस के समझाने के बावजूद STET अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे। अंत में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें तितर बितर कर दिया। वहीं लाठी चार्ज होने पर भागने के दौरान कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। बता दें कि सुबह से ही STET अभ्यर्थी सचिवालय परिसर के बाहर जमा होने लगे थे। वहीं हड़ताली मोड़ के पास भी सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। दूसरी ओर लाठी चार्ज के विरोध में अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद वहां से भी उन्हें हटाया गया। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले तमाम अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियोजन को लेकर पहुंचे थे। शिक्षा सुधार रोजगार संघ के अध्यक्ष और अभ्यर्थी नीरज कुमार ने बताया कि लाठी चार्ज में 50 से अधिक अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं। आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठी चार्ज किया है। इसके साथ ही अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि उसका मोबाइल टूट गया। नीरज कुमार ने बताया कि उनके सिर और पांव में गंभीर चोटें लगी हैं। उधर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने और COVID-19 आपदा के तहत लगे प्रतिबंध को तोड़ने के खिलाफ अभ्यर्थियों पर सचिवालय थाने में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 16 को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई। सचिवालय थानेदार CP गुप्ता ने बताया कि 16 नामजद व 250 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। STET अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज की शिक्षक संगठनों ने निंदा की है। TET-STET उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने कहा कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं TET शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने बताया कि सभी STET पास अभ्यर्थियों को नौकरी की गारंटी मिले, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।